भाई साहब जी, हमारी संस्था है शिव शक्ति कांवड़ तक, जो पिछले 14 साल से कांवड़ का शिविर लगाती आ रही थी, तो 2 सालों से लॉकडाउन की वजह से कांवड़ का शिविर नहीं लग पाया, ना पिछली बार लग पाया ना इस बार लग पाया। तो हमारी संस्था कुछ फंड इकट्ठा करती है जो कि कांवड़ के शिविर के लिए, गरीब लोगों के, लड़कियों की शादियों के लिए, तो वही फंड था जो हम इसको यूज़ में ले लिया कि मतलब भाई गरीब लोगों के जिनके घर में राशन नहीं है, जो कोरोना पेशेंट हैं, जिनके त्राही मान इतनी हुई पड़ी है देश के अंदर कि कोई किसी को पूछ के राजी नहीं है, आदमी आदमी दुश्मन बन गया जी। तो हमारी संस्था सोचा क्यों ना हम उन गरीब लोगों के लिए कुछ दवाइयाँ, कुछ मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह, खाने पीने का सामान, तो वही वितरण करते हैं जी। हमारे मेरा विजय अग्रवाल नाम है, आजादपुर मंडी में टमाटर का मेरा काम है, टमाटर का। अग्रवाल जी, किस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं और कितना समय हो गया है आप लोगों की सेवा? ऐसा जी, कोरोना का तो 2 साल से हो गया, इससे पिछले 14 सालों से हमारे अरुण जी हैं, अरुण जी पारसर, इनकी नवयुक्त टोली शिविर लगाती आ रही है और अपने तन मन धन से जितना भी सहयोग होता है, यही नहीं है कि मतलब कोरोना काल में, और भी कभी होते हैं भंडारे, ये चलते रहते हैं, पिछले 1 महीने से चल रहा है और अभी आगे का भी नहीं पता कब तक चले, ताकि कोई भूखा ना रहे। जैसे कोरोना के अंदर कोई मतलब खाना वगैरह डिमांड करता है, फ़ोन कीजिए, उनके घर खाना पहुंच जाएगा। सुबह को 10 बजे तक फ़ोन कीजिए, दोपहर को 2 बजे तक कीजिए, शाम को आपका घर पे खाना पहुंच जाएगा। हमारे काफ़ी नवयुवक इस काम में लगे हुए हैं। मंडी में भी इस तरह का आप लोग योगदान? हाँ, मंडी में कई बार ये भंडारे आयोजित करते हैं, वह डेली तो नहीं चलता, साप्ताहिक या कभी कुछ मतलब बढ़ता रहता है।